अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात। इस टॉपिक पर गैर मुकल्लिदीन यानी कि नाम निहाद अहले हदीस हमारी भोली भाली आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और क्योंकि अहले हदीस खुद 8 रकात तरावी पढ़ते हैं और वो इसी को साबित मानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग जो 20 रकात तरावी पर अमल करते हैं ये सहाबाए किराम से सही सनद के साथ साबित है। लेकिन 8 रकात या 11 रकात का अमल ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है और ना आपके सहाबा में से किसी से सही सनद के साथ साबित है। इस मामले में इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें उसने ये दावा किया था कि तरावी के टॉपिक पर उसने सबसे बेहतरीन लेक्चर आज तक सिर्फ उसी ने दिया है, और इस वीडियो में उसने 11 रकात तरावी को साबित किया है। आज इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में उसके दलाइल का मुहासबा करेंगे और इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसे लोगों का रद्द भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से ये कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा और इन जैसे तमाम बेपढ़े लिखे लोग क्या कहकर हमारी आवाम को गुमराह करते हैं वो एक बार आप खुद इनकी वीडियो में देख लें। तो पहली बात उसूली समझ लें कि अहदीस की टर्म में तीन चीजें एक ही चीज के नाम है, कियामुल लैल, तहज्जुद और वितर, और तरावी भी जो बाद में इस्तिलाह आई वो भी इसी को कहते हैं। ये कोई मुख्तलिफ नमाजें नहीं है। ये कहते हैं कि तरावी, तहज्जुद, वितर और कियामुल लैल ये सब के सब एक ही नमाज के नाम हैं, बस इनके नाम अलग हैं, ये सब कुछ एक ही नमाज है। ये बेचारे अल्लाह ताला की इबादतों से भी परहेज़ करते हैं। पहले तो इन्होंने तरावी को तहज्जुद का नाम दे दिया ताकि 20 की जगह सिर्फ 8 पढ़नी पड़े, और फिर बाद में तहज्जुद को भी वितर का नाम दे दिया ताकि सिर्फ 3 पढ़कर ही काम हो जाए। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि अहले हदीस के यहाँ तो वितर को 1 रकात पढ़ना भी जायज़ है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अहले हदीस के बनाए गए उसूल पर सिर्फ 1 रकात पढ़कर आपकी तरावी मुकम्मल हो सकती है। देखिए ये कितनी बड़ी धोखेबाजी और कितनी बड़ी जहालत की बात है। मैंने इनके इस धोखे का अपनी पिछली वीडियो में रद्द किया हुआ है जिसमें मैंने ये साबित किया है कि तरावी और तहज्जुद ये अलग अलग नमाज़ें हैं, और ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तरावी और तहज्जुद को अलग अलग पढ़ते थे। वीडियो का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ से हासिल कर लें और वो वीडियो देख लें। फिर इससे ये पता चल जाता है कि तरावी और तहज्जुद ये दोनों अलग अलग नमाज़ें हैं। तो आइए अब चलते हैं हम तरावी की रकात की तादाद की तरफ, क्योंकि अहले हदीस और इंजीनियर अली मिर्ज़ा ये कहते हैं कि तरावी 8 रकात है। तो आइए ज़रा इनके दलाइल का मुहासबा करते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा की जो सबसे मज़बूत दलील इसने पेश की और तमाम अहले हदीस इसी दलील को पेश करते हैं वो मुअत्ता इमाम मालिक की एक रिवायत है, और वो रिवायत भी सुन लें। रिवायत यूँ है कि इमाम मालिक लिखते हैं, हज़रत साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में हज़रत उबई बिन काब और हज़रत तमीम दारी को इस काम पर मामूर किया था कि वो लोगों को 11 रकात पढ़ाया करें। सो ये है वो रिवायत। इसी को दलील बनाकर अहले हदीस और ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा इस बात का दावा करते हैं कि इस 11 रकात में 8 रकात तरावी है और 3 रकात ये वितर के लिए है। तो जवाब भी सुन लें कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। जी हाँ, क्योंकि इस रिवायत में एक रावी है मोहम्मद बिन यूसुफ़, और इनकी रिवायत में तरावी की रकात की तादाद के मामले में इज़्तिराब पाया जाता है, और इज़्तिराब वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है। दलील भी सुन लें
मुअत्ता इमाम मालिक में इन्होंने जो बयान किया उसमें तरावी का जिक्र 11 रकात मिलता है। हवाला मुअत्ता इमाम मालिक पेज नंबर 360, स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में इन्हीं से 21 रकात का जिक्र मिलता है। हवाला मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 86, स्कैन पेज आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और फतहुल बारी में इन्हीं से 13 रकात का भी जिक्र मिलता है। हवाला फतहुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 321। यानी एक ही रावी एक ही मसले पर तीन जगह अलग अलग तरह की बातें कर रहा है, तो फिर इस तरह इस रावी की बात में इस्तराब हो गया और फिर इनकी ये इस्तराब वाली रिवायत दलील के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं है। कभी भी कोई मुस्तरिब रिवायत दलील नहीं बन सकती। जबकि मोहम्मद बिन यूसुफ़ के उस्ताद हज़रत साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अनु की रिवायत सही सनद के साथ इस बात पर मौजूद है कि उन्होंने गवाही दी थी कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अनु के ज़माने में 20 रकात तरावी होती थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसकी दलील अपनी अगली वीडियो में पेश करेंगे जो मैं तरावी की 20 रकात के सबूत में बनाने वाला हूँ। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने जब इस रिवायत को अपनी वीडियो में बयान किया था तो ये कहा था कि मुअत्ता इमाम मालिक की ये जो हदीस है इसकी जो सनद है वो गोल्डन चेन है, और ये कहकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कोई भी शख्स इसको ज़ईफ़ साबित नहीं कर सकता। लेकिन आपको बता दूं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा को अभी उसूल हदीस जरा व तादील और असमा व रिजाल वगैरह का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, इसीलिए ये जब जो जी चाहता है उस रिवायत को सही कह देता है और जब जो चीज चाहता है उस रिवायत को ये ज़ईफ़ कह देता है। तो देख लें, इसने ये दावा करने की कोशिश की थी कि इस रिवायत को कोई ज़ईफ़ साबित नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दलील के साथ ज़ईफ़ साबित कर दिया है। दूसरी दलील जो अहले हदीसों के पास जिसको ये बहुत मज़बूत दलील समझते हैं वो क्या है वो भी सुन लें। वो सही बुखारी की एक रिवायत है कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अनु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अनु से सवाल किया कि रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात की नमाज़ कैसी होती थी। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब फरमाया कि आप रमज़ान और गैर रमज़ान कभी भी 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो अब इस रिवायत को दलील बनाकर फिर ये अहले हदीस कहते हैं कि देखो हमेशा 11 रकात ही पढ़ते थे और उसमें से 8 रकात तरावी थी और 3 रकात वितर थी, यानी ये टोटल 11 रकात हो गई। तो इसका जवाब भी सुन लें। इसके हमारे पास तीन जवाब हैं। पहला जवाब ये कि जबकि हम पिछली वीडियो में ये साबित कर चुके हैं कि तरावी और तहज्जुद ये दोनों अलग अलग नमाज़ें हैं, तो फिर जवाब ये है कि यहाँ पर जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है वो तरावी के बारे में नहीं बल्कि तहज्जुद के बारे में है, क्योंकि तरावी सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है, जबकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमा रही हैं कि ये जो 11 रकात हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान हमेशा इसको पढ़ते थे। तो जाहिर है कि जो तरावी होती है वो हमेशा नहीं पढ़ी जाती, वो सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है, अलबत्ता तहज्जुद हमेशा पढ़ी जा सकती है। तो फिर ये जो रिवायत है ये तरावी की दलील नहीं बन सकती बल्कि ये तहज्जुद के बारे में है। और दूसरा जवाब ये है कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अनु के शागिर्दों में इस रिवायत को बयान करने में इख्तलाफ़ हुआ है और इस वजह से ये रिवायत भी मुस्तरिब हो गई है। उसकी दलील भी सुन लें कि ये जो बुखारी शरीफ की रिवायत है इसमें हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अनु के जवाब में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप रमज़ान और गैर रमज़ान हमेशा 11 रकात पढ़ते थे, और उसका तरीका यूँ बयान फरमाया कि पहले 4 रकात, फिर 4 रकात और फिर 3 रकात। और यही रिवायत जब मुस्लिम में आई तो अल्फाज बदल गए और रकातों की तादाद भी बदल गई। वहाँ पर आपने जवाब इरशाद फरमाया कि आप 13 रकात पढ़ते थे, पहले 8 रकात, फिर वितर, फिर 2 रकात बैठकर और फिर 2 रकात सुन्नत फजर के लिए। ये सही मुस्लिम में हदीस नंबर 126 पर इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। यहाँ पिछली रिवायत से फ़र्क ये आ गया कि उसमें 11 रकात थी, इसमें 13, उसमें पहले 4 रकात, फिर 4 रकात, फिर 3 रकात थी, और इसमें पहले 8 रकात, फिर वितर, फिर 2 रकात है। अब अगर वितर को 3 रकात मान लें तो बाकी रकात की तादाद 10 हो गई,
और अगर वित्र को एक रकात मान लें, क्योंकि अहले हदीसों के यहाँ तो एक रकात वित्र पढ़ना भी जायज़ है, तो बाकी रकात 12 हुई। फिर यही रिवायत इमाम मुस्लिम ने आगे हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल की तो उसमें 9 रकात लिखी है, जिसमें वित्र को भी शामिल कर दिया है। अब अगर वित्र को 3 माने तो बाकी रकात 6 हुई। फिर यही हदीस इमाम मुस्लिम ने आगे नकल की और उसमें 13 रकात बयान फरमाया है और उसमें फ़जर की रकातों को भी शामिल कर दिया है। हदीस नंबर 127 स्कैन पेज आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने ये सारी रिवायतें एक ही बाब के तहत नकल की हैं और इन सारी रिवायतों में पूछने वाले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और जवाब देने वाली हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। तो अब इन रिवायतों में कहीं पर 11 रकात का जिक्र है, कहीं पर 9 रकात और कहीं पर 13 रकात, लिहाजा इन रिवायतों को दलील नहीं बनाया जा सकता। इसका तीसरा जवाब भी सुन लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये कॉल 11 रकात वाला उनके ख़ुद अपने दूसरे कॉल के ख़िलाफ़ है, दलील मुलाहिजा हो। इमाम बुखारी ने हदीस नंबर 1170 पर रिवायत नकल की, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि आप 13 रकात पढ़ते थे और फिर सुबह की अजान सुनते तो 2 रकात हल्की पढ़ते। यानी कि यहाँ पर जो अब बयान आ रहा है ये 13 रकात फजर की सुन्नत से अलग हैं। अब इसमें अगर हम फजर की सुन्नतों को शामिल करते हैं तो ये टोटल 15 रकात हो जाती हैं। अब अगर इसमें से 3 रकात वित्र मानते हैं तो फिर 10 रकात तरावी हुई, और अगर 1 रकात वित्र मानते हैं तो फिर 12 रकात तरावी हुई। तो फिर आपका 11 रकात वाला कॉल आपके इस कॉल के ख़िलाफ़ हो गया, और इस तरीके से ये रिवायत रकात की तादाद के लिए दलील नहीं बन सकती। तीसरी दलील, जो इसे हम आखिरी भी कह सकते हैं कि अहले हदीसों के पास इसके अलावा जो तीसरी दलील है वो ये है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान में 8 रकात और वित्र पढ़ाई। ये रिवायत सही इब्ने हिब्बान के हवाले से पेश करते हैं, तो इसका भी जवाब सुन लें। अब क्योंकि इसमें 8 रकात और अलग से वित्र का जिक्र है तो अहले हदीस ये कहते हैं कि 8 रकात तरावी है और 3 रकात वित्र है, तो इसका जवाब भी सुन लें। इस रिवायत में एक मरकज़ी रावी हैं जिनका नाम है ईसा बिन जारिया, और ये रावी सख्त ज़ईफ़ है, दलील भी मुलाहिज़ा हो। इमाम जरा व तादिल हज़रत यहया बिन मोइन फरमाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और जगह फरमाते हैं कि इसके पास मुनकिर रिवायतें हैं। उसके अलावा हज़रत इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ईसा बिन जारिया ने मुनकिर रिवायतें नकल की हैं। दूसरी जगह इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ये मुनकिरुल हदीस है, हवाला तहजीबुत तहजीब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 355 और 356। इनके अलावा इमाम नसाई ने भी इस रावी को मुनकिरुल हदीस करार दिया है, हवाला मीज़ानुल एतिदाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 311 स्कैन पेज आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और जो रावी मुनकिरुल हदीस होता है उसकी रिवायत बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं होती। ये एक मुसल्लम उसूल है जिसको ख़ुद अहले हदीसों के मौलवी भी तस्लीम करते हैं। यहाँ पर मैं ज़िमनन एक हवाला उनका भी पेश कर देता हूँ ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारे यहाँ ये उसूल नहीं होता। अहले हदीसों के इमाम इरशादुल हक असरी अपनी किताब तौज़ीहुल कलाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 455 पर लिखते हैं कि मुनकिरुल हदीस ऐसा वस्फ है जिससे रावी की हदीस मतरूक करार पाती है, यानी उसे छोड़ दिया जाता है। मज़ीद आगे लिखते हैं कि मुनकिरुल हदीस के अल्फाज रावी के ज़ौफ पर दलालत करते हैं, यानी कि रावी के कमज़ोर होने पर दलालत करते हैं, स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित कर दिया कि अहले हदीस के पास तरावी को 8 रकात साबित करने के लिए जो भी दलाइल हैं वो सब के सब ज़ईफ़ हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अगली वीडियो में ये साबित करेंगे कि सहाबाए किराम से 20 रकात तरावी सही सनद के साथ साबित है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें,
हो सकता है आपके ज़रिए किसी की इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।